नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल, कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। नया साल आ चुका है और नए नए विलाज भी आ रहे हैं, उनमें से ही आज मैं आपको एक ऐसा विला दिखाने जा रही हूँ लाइक जिसकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि एक तो इसका साइज़ इतना अमेजिंग है, लाइक 100 गज में ये पूरा का पूरा विला बना हुआ है। सेक्टर 123 मोहाली के अंदर लोकेटेड है। अब आप सोचोगे यार ये तारीफ करी है कि बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? 100 गज के साइज़ में मैंने बहुत ही रेयर देखा होगा कि इनके जो फ्रंट एलिवेशन है ना वो बड़ी सिंपल सी रखी जाती है। जब भी 100 गज का या छोटा कोई साइज़ होता है ना उसको हमेशा सिंपल सा ही बना के छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो आपका फ्रंट एलिवेशन रहने वाला है वो बहुत 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 ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रहने वाला है। तो चलिए ज़्यादा तारीफ़ करूँगी तो आप बोलेंगे आप ज़्यादा ही तारीफ़ करिए, दिखा तो रही नहीं है। तो चलिए पहले आप उसकी कुछ क्लिप्स देख लीजिए, फिर मिलते हैं हमारे विला के फ्रंट एलिवेशन की तरफ। वाला की क्लिप्स तो देख लेंगे और आपको हमारा वाला बहुत 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 ज़्यादा पसंद आएगा। सो इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका फ्रंट एलिवेशन आ जाता है जो मैंने कभी भी नहीं देखा है। सो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो कितना अमेजिंग आपको यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन यहाँ पर मिल रहा है। साइड में आप देख सकते हो आयरन का आपको वर्क मिलने वाला है जैसे गोल्डन कलर के साथ यहाँ पर तैयार किया हुआ है। और यहाँ पर आपकी बहुत ही अमेजिंग सी वॉल आ जाती है, लाइटनिंग बहुत ही अच्छी यहाँ पर लगाई गई है, काफ़ी अच्छा गेट आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इधर भी आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है, आप देख सकते हो। इस स्पेस को आप अपने अकॉर्डिंग जो है यूटिलाइज़ कर सकते हो, लाइक अगर आपको यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगाने हैं या एक मिनी गार्डन टाइप क्रिएट करना है वो भी यहाँ पर कर सकते हो। एंड इधर आपका पार्किंग एरिया आ जाता है। सो बेसिकली आप यहाँ पर अपना टू व्हीलर ईजिली पार्क कर सकते हो। इधर आपको स्पेस के लिए काफ़ी अच्छा आप यहाँ पर ड्रॉअर वर्क करवा के आप अपना इन्वर्टर या अपना सिलेंडर वगैरह बाहर ही स्टोर कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे किसी भी विला के अंदर लगती है वो है उसकी स्टेयर्स। यहाँ पर आपको ग्रेनाइट पाबल की गोल्डन वर्क के साथ बहुत ही अमेजिंग सी स्टेयर के यहाँ पर मिल जाती है। आप देख सकते हो फॉल सीलिंग का वर्क यहाँ पर इन्होंने बहुत ही खूबसूरत किया है फ्रंट पे, एंड बहुत ही अमेजिंग सा शैंडलियर भी यहाँ पर लगाया हुआ है। लाइट एंड वेंटिलेशन का खास ध्यान रखते हुए यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी विंडो भी मिल जाती है जो आपके किचन के साथ कनेक्टेड रहेगी। अब इसी के साथ ही अब हम पहुँच चुके हैं हमारे विला के मेन एंट्रेंस की तरफ। सो यहाँ पर आपको एक बहुत ही अमेजिंग सा टीक वुड के साथ जो है आपको वुडन का डोर मिल जाता है जिसमें डिजिटल लॉक आपको मिलने वाला है। आप इसे नंबर के साथ, कार्ड के साथ एंड थंब के साथ भी एक्सेस कर सकते हो। सो चलिए दोस्तों इसी के साथ अब हम अंदर आ चुके हैं, तो चलिए अंदर की तरफ अब हम बात करते हैं हमारे ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया की। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि जो छोटे छोटे स्पेसेस में बने होते हैं उनको अगर आप इस तरीके से डिज़ाइन करते हो, इस तरीके के कंफर्टेबल आप सोफाज लगाते हो ना यार, बड़ा अच्छा लगता है। लाइक आप सोचो आप अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पर बैठे हो, आप चिल कर रहे हो, चाय पी रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, यार किसका दिल नहीं करता इस तरीके से चिल मारने का, है ना। सो यहाँ पर आप आराम से बैठ सकते कंफर्टेबली। और इधर आप कर्टन्स देख सकते हो, कितने अमेजिंग कर्टन्स यहाँ पर लगाए हुए हैं और बहुत ही अमेजिंग सा एक कलर कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। लाइक डिसेंट कलर यूज़ करें लेकिन वो इतने अमेजिंग है ना कि अगर कोई भी देखे वो बोलेगा यार मेरे को भी बता कहाँ से ये सारा इंटीरियर वर्क करवाया, कौन सा कलर यूज़ किया, सब चीज़ें वो आपसे पर्सनली आके पूछने वाले हैं। सो अब हम इस वॉल की बात करें ना यार, ये चीज़ बहुत कम देखने को मिलती है। लाइक अब POP का वर्क आप देख लोगे, POP का वर्क नॉर्मली लोग करवाते हैं, लेकिन इस तरीके का एक गोल्डन वर्क जो दिया हुआ है और उसके साथ सेंटर में जो ये डेकोरेटिव आइटम यहाँ पे लगाई हुई है और साइड की लैम्प्स आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग यहाँ पर हर एक चीज़ ना लाइक इतनी प्रोफेशनली और इतनी अमेजिंग तरीके से किया ना कि लोग देख के ना मतलब तो बहुत खुश होने वाले हैं, उनका दिल बड़ा खुश होने वाला है। और AC की डक्टिंग आपको यहाँ पर पहले से ही मिलने वाली है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ मुझे लगी, जो मुझे लगा कि उठा के
काश मैं भाग पाती, लेकिन ये बहुत भारी है, मैं नहीं भाग पाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक बहुत ही अमेजिंग एंड डिफरेंट सी यहाँ पर जो है वॉच यहाँ पे लगाई हुई है। और फॉल सीलिंग मस्ट इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी इलाके के अंदर या किसी भी नॉर्मल घर के अंदर भी। अगर आप फॉल सीलिंग का वर्क करवा देते हो और इसी तरीके का शैंडलियर लगवा देते हो ना, मैं कहती हूँ क्या बात हो जाती है, क्या लग्जरी चीज़ बन जाती है। तो यहाँ पर आपको एक लग्जरी कॉन्सेप्ट मिल रहा है बेसिकली। सो अब हम इसी के साथ यहाँ पर एंटर कर चुके हैं। ये हमारा किचन आ जाता है जो कि हमारा फुली मॉड्यूलर किचन रहने वाला है। डुअल सिंक आपको यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। टैब आपकी जो है जैगवार की सैनिटरी फिटिंग आपको यहाँ पर मिलने वाली है। और इधर आपकी एल शेप की ग्रेन एंड मार्बल की फिनिशिंग के साथ आपको आपकी किचन यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपके लोअर कैबिनेट्स रहेंगे। अपर कैबिनेट्स की बात की जाए तो ग्लास वर्क के साथ आपके अपर कैबिनेट्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। इधर आप अपना माइक्रोवेव वगैरह जो है ईजिली यहाँ पर लगा सकते हो, तो उसका प्रोविजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इधर आपका रेफ्रिजरेटर एरिया आ जाता है। आप सिंगल प्लस डबल डोर का रेफ्रिजरेटर ईजिली यहाँ पर स्टोर कर सकते हो। अब सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपको किचन के अंदर भी फॉल सीलिंग दी हुई है, मतलब जितनी भी फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं वो सेम एज इट इज आपको यहाँ पर मिलने वाली है। एंड अब हम एंटर कर चुके हैं हमारे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा क्योंकि मुझे इसकी वार्डरोब बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि हम लड़कियों को स्पेशली ना वार्डरोब से बहुत प्यार होता है। सो आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग सी वार्डरोब मिल रही है और अलग से कितनी अच्छी स्पेस आपको यहाँ पर दी जा रही है। और किंग साइज बेड लगा हुआ है जिस पे आप देख सकते हो एक बहुत ही अमेजिंग सा बेड बैक आपको मिल रहा है। आप चाहो तो यहाँ पर कोई डेकोरेटिव आइटम रख सकते हो, या फिर आप कोई फोटोग्राफ लगा सकते हो, या कोई सीनरी भी लगा सकते हो अपने बेड बैक पे, या हैंगिंग लाइट साइड में लगा के बहुत यूनिक तरीके से आप अपने बेडरूम को तैयार करवा सकते हो। अब यहाँ पर आप अपना एलईडी पैनल का वर्क करवा सकते हो, या अगर आपको यहाँ पर साइड में अपना एक सिटिंग अरेंजमेंट टाइप करना है, स्टडी के लिए आपने यहाँ पर टेबल वगैरह एक तरीके से यहाँ पर लगवाना है, आप वो भी लगवा सकते हो यहाँ पर। अब यहाँ पर एक चीज़ क्या मिल रही है आपको, यहाँ पर आपको एक डोर मिल रहा है जो कि आपको आपकी बैकयार्ड की तरफ कनेक्ट करता है, ठीक है। सो जहाँ पर आप अपना वॉशिंग एरिया वगैरह क्रिएट कर सकते हो। एसी की डक्टिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। फॉल सीलिंग का वर्क आपको जैसे ही आप देख रहे हैं ना, आपको लाइटनिंग सेम एज इट इज यहाँ पर मिलने वाली है। सेंटर में कितना अमेजिंग है यहाँ पर इन्होंने ये शैंडलियर लगाया हुआ है। एंड यहाँ पर हमारा अटैच वॉशरूम आ जाता है जिसमें दो डिफरेंट टाइल यहाँ पर यूज़ की गई है। आप देख सकते हो इटालियन मार्बल की फिनिशिंग आपको मिल रही है। इधर ग्लॉसी टाइल्स यूज़ की गई है, नीचे आपके एंटी स्केट टाइल्स आ जाएंगे और जैगुआर की फिटिंग के साथ आपका कंप्लीट वॉशरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो गाइस ये तो देख लिया आपने हमारा फर्स्ट बेडरूम। अब हम चलते हैं हमारे सेकंड बेडरूम यानी हमारे मास्टर बेडरूम की तरफ। सो यहाँ पर हमारा सबसे अमेजिंग एंड सबसे ज़्यादा कूल रूम आ जाता है जो कि मास्टर रूम है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो किंग साइज बेड लगा हुआ है, ब्राउनिश थीम यहाँ पर दी गई है और सेंटर में आपका वुड वर्क आ जाता है। इधर आपका ग्रुप्स का वर्क रहेगा, सेंटर में आपका मिरर वर्क दिया हुआ है रोज़ गोल्ड कलर के साथ। साइड में ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं, वो भी वेलवेट वर्क के साथ यहाँ पर जो है ड्रॉर्स को कम्प्लीटली यहाँ पर तैयार किया हुआ है। एंड फॉल सीलिंग, ओ माय गॉड, लाइक ये आप देखो यार कितना अमेजिंग लग रहा है। लाइक छोटी छोटी चीज़ें ही होती है जो बहुत ज़्यादा आपके बेडरूम या आपके पूरे घर को सुंदर बना देती है। एंड इधर इन्होंने फुल हाइट के साथ जो है आपका एलईडी पैनल का वर्क करवा के दिया हुआ है। सो बेसिकली अगर आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी हो, आप वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर कर सकते हो। एंड इधर लाइट एंड वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए आपकी काफ़ी अच्छी विंडो आ जाती है। एंड इधर आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है। अगर आपने एक चीज़ नोटिस किया हो ना, तो इस वॉशरूम का थीम उस वॉशरूम से बिल्कुल डिफरेंट है। सो ब्लैक टाइल्स यहाँ पर यूज़ की गई है, इधर बहुत ही प्यारी सी जो है टाइल्स यहाँ पर यूज़ की गई है। अगेन आपको जैगुआर की फिटिंग के साथ आपको ये आपका कंप्लीट वॉशरूम मिलने वाला है, जिससे आपको एक काफ़ी अच्छी विंडो भी मिल जाती है लाइट एंड वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हुए। और इधर आपका जो है सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपकी वार्डरोब आ जाती है। अभी थोड़ा सा मैसी, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप आओगे और आप अपना सामान रखोगे तो मुझे पता आप बहुत अच्छे से मैनेज करके इसे रखने वाले हो। सो गाइज ये आपने हमारा ग्राउंड फ्लोर देख लिया जिसमें हमारे दो बेडरूम, एक किचन और हमारा ड्रॉइंग डाइनिंग एरिया था। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम यानी हमारे लास्ट बेडरूम की तरफ। से चलते हैं
सो गाइस फर्स्ट फ्लोर पे जाने के लिए हम स्टेयरकेस का यूज करेंगे। आप देख सकते हो ग्रेनाइट मार्बल के फिनिशिंग के साथ आपको बहुत ही अमेजिंग सी स्टेयर्स मिलने वाली है, जिसमें गोल्डन वर्क जो है आपको आयरन वर्क के साथ मिलने वाला है। इधर शैंडेलियर बहुत अमेजिंग लगाया हुआ है। तो चलिए अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो स्टेयर्स में एक बहुत ही प्यारा सा जो है लैंप यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरीके के लैंप आप अपने घर के अंदर यूज कर सकते हो और अपनी वॉल्स को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। एंड अब हम पहुंच चुके हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जो सबसे अच्छी चीज मुझे क्या लगती है, जब भी हम किसी इस तरीके के विला को लेते हैं, आपको एक बहुत अच्छी सी बालकनी मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हो बालकनी आपको बहुत प्यारी मिल रही है, जहाँ पर आप रोज सुबह या शाम जो है वॉक वगैरह कर सकते हो। सामने का व्यू आप देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग सा व्यू आपको यहाँ पर मिलने वाला है। एंड चंडीगढ़ में इस टाइम बहुत ज़्यादा ठंड है और बहुत ही प्यारा सा आप देख सकते हो मौसम भी यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है। धूप ऑलमोस्ट आने वाली है थोड़ी देर में। सो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, सो इधर भी आपको स्पेस मिल जाती है। सो यहाँ अगर आप चाहो तो कभी जैसे बारिश हो रही हो और आपका बाहर बैठने का मन है, आप यहाँ पर बैठ के अपना जो है बारिश का मज़ा आराम से ले सकते हो। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है इसके फ्रंट एलिवेशन की, कि जब ये लाइट्स ऑन होंगी ना, आप जब यहाँ से गुजरोगे ना यार, आपका दिल बड़ा खुश होने वाला। आप सोचने वाले हो पूरा लाइफ टाइम कि मैंने एक सही जगह इन्वेस्ट किया, मैंने अपने पैसे जो मेहनत की कमाई थी ना वो एक सही जगह पर खर्च किए। तो इसी के साथ अब यहाँ पर हम चलते हैं हमारे थर्ड बेडरूम की तरफ। अगेन आपको टीक वुड के साथ जो है बहुत ही अमेजिंग सा वुडन डोर आपको यहाँ पर मिल रहा है। इधर आप देख सकते हो किंग साइज बेड लगा हुआ है। स्पेस काफ़ी अच्छी मिल रही है, मूविंग स्पेस काफ़ी अच्छी आपको मिल रही है। अगेन आपको फॉल सीलिंग का वर्क बहुत 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 ही ज़्यादा अमेजिंग मिलने वाला है, जिसमें LED लाइट्स ऐड की गई है और आपको AC की डक्टिंग आपको यहाँ पर मिल रही है। और यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ आप देखिए बेड बैक पे कितना अमेजिंग जो है वुडन का वर्क यहाँ पर किया गया है, जिसमें सेंटर में आप देखेंगे ना ध्यान से तो आपको गोल्डन वर्क भी सेंटर में देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी सी ह्यूज साइज की विंडो मिल जाती है, जहाँ से लाइट एंड वेंटिलेशन आपको प्रॉपर वे में मिलता रहेगा। अब बेडरूम है उसमें वार्डरोब ना हो तो यार मज़ा ही कैसा रह जाएगा। सो यहाँ पर आपकी वार्डरोब्स आ जाती है। तो आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग तरीके से आप अपनी हर चीज़ को मैनेज कर सकते हो। नीचे आप अपने शूज़ वगैरह को मैनेज कर सकते हो और इधर आप अपनी साड़ी वगैरह टॉप्स वगैरह जो भी आप रखना चाहे इजीली रख सकते हो। और यहाँ पर आपका अटैच वॉशरूम आ जाता है, जिसमें ब्राउन एंड वाइट का थीम यहाँ पर चूज़ किया हुआ है, लाइट एंड वेंटिलेशन का ध्यान में रखते हुए। यहाँ पर आपकी काफ़ी अच्छी विंडो आ जाती है और एंटी स्केट टाइल्स काफ़ी अमेजिंग यहाँ पर यूज़ की गई है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ मिल रही है, वो है आपकी पेंट्री। आप देख सकते हो अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो या आप किसी भी रियल स्टेट की वीडियो देखते हो, आप नोटिस करना इतना स्पेशियस पेंट्री आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं देगा, मैं सच बता रही हूँ आपको। लेकिन यहाँ पर आपको ये काफ़ी स्पेशियस ही जो है पेंट्री मिल जाती है। बेसिकली आप इसको किचन कह सकते हो, इतना साइज है इसका। तो यहाँ पर आपको एक बहुत ही प्यारा सा जो है सिंक मिल जाता है, ग्रेनाइट की फिनिशिंग मिल जाती है। लाइट एंड वेंटिलेशन को ध्यान में रखते हैं, आपको यहाँ पर विंडो मिल रही है, मैश विंडो भी दी जा रही है और इधर भी आपको जो है फॉल सीलिंग का वर्क मिलने वाला है। और एक और चीज़ जो है आपके लिए सरप्राइज है, तो एक बार मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। तो गाइस इसी के साथ ही अब हम आ चुके हैं हमारे सरप्राइज की तरफ, जो कि हमारा टेरेस रहने वाला। आप देखिए यार कितनी अमेजिंग तरीके से ना यहाँ पर हर चीज़ को मैनेज किया हुआ है। फ्लावर्स लगाए गए हैं, प्लांट्स लगाए हुए हैं, उनमें लाइट इतनी अमेजिंग है। जब आप शाम को थके हारे आओगे और आपका मन करेगा यार कहीं शांत सी जगह पर बैठना, आप यहाँ पर आके बैठना और आप बस आसमान को देखना और सामने का व्यू इन्जॉय करना, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। और सामने आपका फाउंटेन भी है। मैंने कभी नहीं सुना कि किसी भी 100 गज के घर में आपको फाउंटेन मिल रहा, आपको फाउंटेन भी मिलने वाला है। एंड एक और चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाती है, आप सोचेंगे यार जब टेरेस दिखा दी तो ऊपर क्या जाए, ऊपर भी एक सरप्राइज है, तो चलो एक बार ऊपर भी चलते हैं। सो गाइस ये हमारा सरप्राइज, मैं क्या बोलूँ, मतलब मैं जितना बोलूँगी उतना कम है। मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पर भी ग्रास वगैरह होते हैं ना, नेचर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचर के पास रहना बहुत पसंद है। तो देखो सबसे पहले आप देखो यहाँ पर कितना अच्छा आप सेटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो। जब धूप आएगी आप यहाँ पर बैठे हो, चाय कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हो, पकौड़े खा रहे हो, यार क्या मतलब ज़िंदगी में और क्या चाहिए, खाने के अलावा क्या ही चाहिए हमें, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे अच्छी चीज़ इन्होंने क्या की है कि हमारे लिए ना हेल्दी फूड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर आप अपना जो है वेजिटेबल्स यहाँ पर लगा सकते हो। तो उसके लिए यहाँ पर इन्होंने
अलग से आपको स्पेस दी हुई है। आप घर में ही जो है आप अपना टमाटर वगैरह उगा सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोई भी छोटी छोटी चीज़ें सब्जियाँ उगानी है, आप यहाँ पर ईजिली उगा सकते हो। चाहे तो आप इस पूरे एरिया को ना आप अपना गार्डन एरिया भी बना सकते हो बेसिकली। सो गाइस, ये देखा आपने हमारे 100 गज का बहुत ही खूबसूरत विला। आई होप आपको हमारा ये विला बहुत 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 ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये विला पसंद आया तो जल्द से जल्द दिए गए नंबरों पर कॉल करें। एंड मैं लोकेशन आपको फिर से बताना चाहूँगी, सेक्टर 123 मोहाली के अंदर ये विला लोकेटेड आपके बहुत करीब है। और मैं नहीं चाहती कि आप इस चांस को बिल्कुल भी मिस करो, तो जल्दी से दिए गए नंबर पर कॉल करो और अपने लिए ये विला जल्द से जल्द लो। अपनी फैमिली को एक नया गिफ्ट दो इस साल। और इसी के साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, ताकि आने वाली जितनी भी नोटिफिकेशन है आपको आपके फ़ोन में मिलती रहे और मुझे मोटिवेशन मिलती रहे ऐसे ढेर सारे विलाज लाने की। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।